तो फर्स्ट हम अपनी प्रीवियस लर्निंग से रिलेशन बनाते हुए वी विल मूव फर्दर. हमारे पास ये 1 to 12 दीज आर द नंबर्स एंड इन दिस टेबल यू कैन सी द फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर्स. सो हमें 1 का फैक्टर 1, 2 का 1 2, 3 का 1 3, 4 का 1 2 4, 5 का 1 5, 6 का 1 2 3 6 एंड दिस गोज ऑन. तो एज वी द नंबर इज गेटिंग इंक्रीज वी आर गेटिंग मोर फैक्टर्स. सो अगर हम काउंट करें तो नंबर ऑफ फैक्टर्स तो हम देखते हैं इसका 1, इसके 2 फैक्टर्स, द नेक्स्ट नंबर के 3 फैक्टर्स, देन नेक्स्ट नंबर के 2 फैक्टर्स, 4 फैक्टर्स. वी कैन सी नंबर ऑफ फैक्टर्स. सो आप देख रहे हैं 1 2, फिर 3 4 6, इतने इतने आपके पास फैक्टर्स किसी एक नंबर के मिल जाते हैं. बट व्हाई आर वी काउंटिंग इट, व्हाई आर वी काउंटिंग द नंबर ऑफ फैक्टर्स, देखते हैं. यस, सो वी काउंट द नंबर ऑफ फैक्टर्स टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स. सो व्हाट आर प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स के उसमें क्या होता है कि द नंबर्स अदर देन 1 हुज ओनली फैक्टर आर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स. सो समझ में आया कि एक तो क्या होता है, एक तो 1 होता है उसका प्राइम फैक्टर एंड द अदर नंबर वो इटसेल्फ इज द नंबर. सो दोज नंबर्स आर नोन एज प्राइम नंबर्स. मीन्स प्राइम नंबर इज ओनली 2 फैक्टर्स, एक तो 1 एंड जो दूसरा फैक्टर है द नंबर इटसेल्फ. तो वो हमने कहा दे आर प्राइम नंबर्स. नाउ व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स? कंपोजिट नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स दे आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स. लाइक 6, 1 2 3 4, 4 फैक्टर्स आर देयर. 10, 1 2 3 4, 4 फैक्टर्स आर देयर. सो दीज आर कंपोजिट नंबर्स. सो एक बार उसको गो थ्रू करें. बोली प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, एक तो 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. एंड कंपोजिट नंबर्स हैव मोर देन 2 फैक्टर्स. तो वो नंबर्स क्या हुए? कंपोजिट नंबर्स. नाउ राइट ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन 15. ठीक है. सो इसमें बिकॉज दिस इज योर बिगनिंग, आप अभी करना स्टार्ट करते हैं, तो हम एक स्टाइल ये करते हैं कि आप अप टिल 15 तक राइट डाउन 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. आपने पहले सारे नंबर लिख दिए और यू हैव टू फाइंड प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर मीन्स उनके फैक्टर सिर्फ 2 हो. सो 1 का फैक्टर 1 ही है, देन 1 को छोड़ के 2 का 1 and 2 है. सो दिस इज अ 3 का 1 and 3 है और कोई फैक्टर ही नहीं है. सो ये हमने मार्क कर ली है. नाउ 4 के फैक्टर्स हमें कितने मिलेंगे? 1, 2 and 4. तो मोर देन 2 हो गए तो 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर. 5 का फैक्टर 1 and 5, सो दिस इज अ प्राइम नंबर. 6 का 1 है, 2 है, 3 है एंड 6 इटसेल्फ मोर देन 2, तो दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर. 7 का अगेन 1 and 7 और कोई नहीं है तो दिस इज अ प्राइम नंबर. 8 तो हमें बहुत फैक्टर्स मिलेंगे 1, 2, 4 and 8, दिस इज नॉट. 9 का 1 हो गया, 3 हो गया एंड 9, तो दिस इज ऑल्सो नॉट. 10 का भी नहीं क्योंकि 1, 2, 5 and 10 हमारे मिल रहे फैक्टर्स. 11, 1 and 11, तो दिस इज अ प्राइम नंबर. 12, 1 भी है फैक्टर, 2, 3, 4, 6, 12, तो मैनी फैक्टर्स. 13 यह है क्योंकि 1 and 13.
14 इज ऑल्सो नॉट, क्योंकि इसके बहुत फैक्टर्स हैं, एंड 15 भी नहीं, क्योंकि 1, फिर 3, 5, 15. सो हमें जो मिले लेस देन 15, हमें कौन से मिले? 1, 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13. सो दीज आर द प्राइम नंबर्स लेस देन 15. Which is the smallest even number? The smallest even number is 2. ये तो आप जानते ही हैं, क्योंकि 2 से पहले 1 है, तो 1 और then 0, तो 2 is the smallest even number. Which is the smallest prime number? तो smallest prime number भी हमें 2 मिल रहा है, ठीक है? So 1 का हम इसमें count नहीं करते हैं, तो 2 क्या हो गया? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज इवन, ठीक है? सो सम प्राइम नंबर्स 3, 5, 7, 11, 13, ये आपके प्राइम नंबर्स है. तो अब आप देख रहे हैं, जैसे हम देख रहे हैं, तो इसमें क्या चीज देख रहे हैं? ऑल आर ऑड. ऐसे आप जाएंगे 17, दिस इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर. 19, दिस इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर. लेकिन ये सारे क्या है? ऑल दीज नंबर्स आर ऑड. एक 2 ही हमें मिला है जो इवन प्राइम नंबर है, ठीक है? सो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, और सारे प्राइम नंबर्स आर ऑड. नाउ ऑब्जर्व दिस पैटर्न. 2 × 3 + 1 इज इक्वल टू 7. आर यू ऑब्जर्विंग दिस? तो जो 7 है ये क्या है? दिस इज अ प्राइम नंबर, है या नहीं है? तो अब आप ये देखें, 1 इज एडेड टू अ मल्टीपल ऑफ 2 टू गेट अ प्राइम नंबर. इज इन दिस इंटरेस्टिंग? ओके, एक बार इसको दूसरे वे में समझते हैं कि अगर हम 2 के मल्टीपल में प्लस 1 कर दे, वी विल गेट अ प्राइम नंबर. कैसे? देखें, अगर हम करते हैं 6, तो 2 × 6 = 12, एंड 12 + 1 क्या आ गया? 13. तो 1 इज एडेड टू अ मल्टीपल ऑफ 2 टू गेट अ प्राइम नंबर. इस वे में, हाँ ये जरूरी है, एवरी टाइम यू विल नॉट गेट द प्राइम नंबर, बट जनरली इफ वी लुक है, तो दिस इज अ वेरी कॉमन प्रिंसिपल कि यू एड 1 विद द मल्टीपल ऑफ 2 एंड देन यू विल गेट अ प्राइम नंबर. सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? टुडे वी हैव डन सम प्रैक्टिस सम्स बेस्ड ऑन किसके? हमारा, कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स. तो एक बार हम गो थ्रू करते हैं जो हमने सीखा है. सो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? आप बताएंगे. प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव कितने फैक्टर्स? 2. वेरी गुड. सो जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं वही प्राइम नंबर्स होते हैं. और उन फैक्टर्स का क्या एक क्वालिटी होती है? सोचे. यस, जो उनके फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो बहुत क्लियर होते हैं. एक तो फैक्टर होगा 1, और दूसरा क्या होगा? द नंबर इटसेल्फ. लाइक अगर हम कहें 17, हाँ, इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ 17, तो 17 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 1 एंड 17. कैन यू फाइंड एनी अदर फैक्टर ऑफ 17? सोचिए, 2 के टेबल में 17 आता है? नहीं. 3 के टेबल में? नहीं. 4 के टेबल में? नहीं.
5 की टेबल में? नहीं, ऐसे आप सोचते चले जाए 70 तक आप पहुंच जाएंगे, किसी टेबल में यू विल नॉट गेट 17. 17 हमारा तभी आएगा व्हेन इट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय 1, देन ओनली यू विल गेट 17. समझ में आई बात? तो 17 क्या हो गया? 17 इज अ प्राइम नंबर. द अदर टर्म दैट यू हैव लर्न टुडे, क्या कहते हैं हम उसे? कंपोजिट. वेरी गुड. द अदर नंबर जो हमने सीखा था वो क्या था? कंपोजिट नंबर. सो कंपोजिट नंबर्स क्या हुए? द नंबर, थिंक ओवर करें, विच है फैक्टर्स मोर देन वन. हाँ, कैन यू थिंक अबाउट एनी कंपोजिट नंबर? सोचिए, लाइक 12. 12 के फैक्टर्स आप बताएं. दिस इज अ रिविजन, बिकॉज जब हम सामने करते हैं देन यू कैन, इट इज वेरी इजी फॉर यू टू लर्न. बट लेकिन अब मेरे साथ, मैंने अपनी तरफ से आपको समझ दे रही हूं, एंड आई वॉन्ट यू टू जस्ट रिलेट वॉट यू हैव लर्न अभी थोड़ी देर पहले. सो देन ओनली यू कैन मेक अ कनेक्शन, क्योंकि सब कुछ सामने लिखा है, बहुत ईजिली हमें लगता है, बहुत ईजी. लेकिन ऐसे सोचने में यस, हमें थोड़ा सा अपने ब्रेन को शार्प करना होता है. तो सोचिए, यस 2, लेकिन 2 से पहले हम लोग क्या करेंगे? जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, फर्स्ट वी विल राइट 1, है ना, बिकॉज 1 इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी अ फैक्टर. 1 आ गया, देन 2 की टेबल में 12 आता है, वेरी गुड. नेक्स्ट नंबर, तो हाउ डू वी फाइंड फैक्टर्स? वी कीप ऑन काउंटिंग फॉर टेबल्स. अब हम 3 पर जाएंगे, 3 की टेबल में 12 आता है, यस 3 4 जा 12, सो 3 हमारा आ गया. देन 4 की टेबल में ऑटोमेटिकली हमें एकदम याद आ जाएगा 3 4 जा 12 है, तो 4 3 जा 12 होगा, यस 4 इज ऑल्सो अ फैक्टर. तो देखिए, अभी तक हमें 4 फैक्टर्स मिल गए, तो एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू गेट मोर फैक्टर्स, सो दिस मींस 12 कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ कंपोजिट नंबर. ओके, मूविंग फर्दर, एनी अदर फैक्टर ऑफ 12? 5? 5 भी फैक्टर है? नहीं. 6? 6 टू जा 12, यस 6 इज अ फैक्टर. नाउ 7? नहीं. 8? 8 वन जा 8, 8 टू जा 16, तो 8 और 16 बीच में 12 आता है, नहीं आ रहा, तो नहीं है. 9? 9 वन जा 9, 9 टू जा 18, 12 आया? नहीं आया, क्योंकि 1 के बाद तो हम 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, मूव ऑन. 10 मिला? नहीं. 11 की टेबल में 12 इज देयर? नहीं. अब हमारा क्या आ गया? 12. सो द मोमेंट वी गेट द नंबर, जो हमारा यहाँ पे नंबर है, सेम नंबर अगर हमें यहाँ मिल जा रहा है, इमिडिएटली वी स्टॉप, बिकॉज मोर देन डेट वी कैन नॉट फाइंड द फैक्टर्स. गोइंग थ्रू द, हमारा जो हमने इस सेशन से पहले सीखा था, फैक्टर्स आर ऑलवेज स्मॉलर देन और इक्वल टू द नंबर. सो देखिए, तो अब अगर हम 13 पर जाएंगे, तो 13 हमारा फैक्टर, मतलब 12 के बाद हमें वी कैन नॉट फाइंड एनी फैक्टर. सो इन दिस, टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेशन, आई जस्ट वॉन्ट टू मेक अ कनेक्शन जो आपने 2 सेशंस में सीखा है. डोंट फॉरगेट जो आपने पहले सीखा है, जस्ट रिमेंबर इनिशियल थिंग और एडवांस थिंग, सो डेट इट इज ईजी फॉर यू टू लर्न. तो देखें, इन द हमने क्या देखा था? हमने सबसे पहले ये सीखा था अबाउट क्या, प्राइम, हमने प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स. उससे पहले हमने सीखा था फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड हाउ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स आर रिलेटेड विद प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स, क्योंकि बेस्ड ऑन द फैक्टर्स, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ फैक्टर्स, हम क्या है, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ फैक्टर्स वी कैन डिफ्रेंशिएट वेदर द नंबर इज प्राइम और कंपोजिट.
तो लर्न टू मेक अ रिलेशन बिटवीन व्हाट हैव यू लर्न्ड. ऐसा नहीं है जो चीज पढ़ी वो वही भूल के यू आर मूविंग फर्दर. आपको एक रिलेशन बनाना पड़ेगा. तो इसलिए आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन, सबसे पहले आप फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स को ध्यान में रखें, इनका डिफरेंस समझें. ठीक है, मल्टीपल्स सबसे पहले इन पर फोकस करें. व्हेन दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर देन यू मूव टू प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स. अगर इन केस आपको क्लियर नहीं है तो गो विद दिस. फर्स्ट लर्न अबाउट फैक्टर्स, सेकंड लर्न अबाउट मल्टीपल्स, थर्ड लर्न अबाउट प्राइम नंबर्स एंड देन फोर्थ अबाउट कंपोजिट नंबर्स. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको, क्योंकि अगर इफ दिस थिंग इज नॉट क्लियर आपको आगे आने वाले सम्स में डिफिकल्टी होगी. तो मेक अ लिस्ट के कौन क्या क्या चीजें हैं, हैव अ रिवीजन एंड देन मूव इन द एक्सरसाइज. सो दिस इज द टाइम टू एंड द सेशन नाउ. इन द नेक्स्ट सेशन विद सम सम्स वी आर गोइंग टू मीट अगेन टू डू सम सम्स टुगेदर. सो बच्चों जो अभी मैंने जैसे कहा है, प्लीज डू हैव अ रिवीजन ऑफ दिस पार्ट. We are going to meet again in the next session. Till then, take care. Bye.